महासंघ की अधिकार रैली का आयोजन सूर सदन में किया गया। आगरा में भारतीय अति पिछड़ा वर्ग महासंघ की ओर से अति पिछड़ा आरक्षण वर्गीकरण को लेकर सूर सदन में अधिकार रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक डॉक्टर गौरव नंद ने कहा कि देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद पिछड़ा वर्ग की आबादी पर 27% आरक्षण लागू हुआ, जबकि अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 36% है। उस आरक्षण में देश के कुछ सक्षम जातियों को उसका लाभ मिल पाया। पिछड़ा वर्ग में वर्गीकरण होना चाहिए, इस मांग को लेकर हमारे संगठन द्वारा सूर सदन में अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। जी, हमारा नाम डॉक्टर गौरव नंद है, पूर्व विधायक प्रत्याशी मैनपुरी से, और आज हम लोग भारतीय अति पिछड़ा वर्ग महासंघ के तत्वावधान में अति पिछड़े हक के लिए वर्गीकरण की मांग को लेते हुए आगरा में एक महासम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ आई है। और हमारी जो मांग है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो और अति पिछड़े समाज को आरक्षण में वर्गीकरण करके उसका हक दिया जाए, ताकि जो जातियाँ आरक्षण से वंचित हैं, सामाजिक न्याय से वंचित हैं और अंतिम हाशिए पे आ गई हैं, उनका उनका हक मिले। और इसको लेके हम सब हजारों की भीड़ में यही मांग उठा रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, आरक्षण वर्गीकरण हो, अति पिछड़ों को उनका हक मिले, सामाजिक न्याय व्यवस्था लागू हो। पवन सिंह है, हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं। आज जो आगरा में सूर सदन के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है अति पिछड़ों के लिए, उनके सम्मान के लिए हो रहा है। हमारी जो मांग है 27% आरक्षण के अंदर जो अति पिछड़ों का आरक्षण है वो हमें दिया जाए आरक्षण, इसको मांग को लेते हुए हम लोगों ने यहाँ सम्मेलन जो है आयोजित किया है। लगभग पूरे यूपी और निकटवर्ती प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, काफी भारी मात्रा में भीड़ है, पूरा प्रेक्षागृह भरा हुआ है और सड़क बाहर सड़कों पर भी लोग खड़े हुए हैं। हम लोग काफी लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी मांग पर लेकिन आज जो हमारे जो मुख्य अतिथि रितेश सेन जी आए हुए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, क्योंकि वो सरकार में मंत्री हैं, कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और उचित व्यवस्था करवाएंगे। अशोक कुमार मेरा नाम है, सविता समाज से मैं संबंधित हूँ और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बना हूँ। सम्मेलन तो दो बातों के लिए है। पहली बात यह है कि ये पिछड़े समाज जो अति पिछड़ा समाज है, इसके अंदर जागरूकता लाई जाए, क्योंकि बिना जागरूक हुए कोई भी समाज अपना हक हासिल नहीं कर सकता है। बेसिक बात तो यही है और ये कार्यक्रम चलते रहते हैं और आगे बड़े कार्यक्रम होंगे और इसकी अगुवाई डॉक्टर गौरव नंद जी कर रहे हैं, जो कि अपने दम पर पूरे प्रदेश से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी इतने सारे लोगों को उन्होंने निमंत्रित किया हुआ है। अगली बात यह